हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेलीकॉम सेक्टर की, क्योंकि 10 अक्टूबर को जब जियो में IUC चार्ज को लागू किया गया था, तब जियो यूज़र को काफ़ी बड़ा झटका लगा था और इसमें काफ़ी तहलका भी मचा था, लोग काफ़ी परेशान भी हुए थे। लेकिन अब अगला जो झटका है वो वोडाफोन यूज़र को लगने वाला है, क्योंकि खबर निकल के आ रही है कि वोडाफोन आने वाले टाइम में अपने सर्विसेज को बंद कर सकता है और इंडिया में जो भी उसका कारोबार है वो भी पूरी तरह से बंद हो जाएगा। काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स पे, वेबसाइटों पे ये खबर पब्लिश हो चुकी है और अंदर से ये खबर भी निकल के आ रही है कि अब इंडिया में जो भी कारोबार वोडाफोन करता है वो भी धीरे धीरे बंद कर देगा, क्योंकि कुछ दिन पहले वोडाफोन का आइडिया से मर्जर हुआ था। दोनों कंपनियाँ साथ में मिलकर काम करती थी, लेकिन उनके शेयर में धीरे धीरे गिरावट दर्ज की गई और इस वजह से उनको ये डिसीजन लेना पड़ा कि अब इंडिया में वो धीरे धीरे काम को बंद कर देंगे। क्योंकि 3 साल पहले जब जियो इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ था, तब वोडाफोन एयरटेल जैसी कंपनियां काफ़ी महंगे रिचार्ज प्रोवाइड करती थी और उसके बाद 400-500 के हमें रिचार्ज कराने पड़ते थे और ये जो कंपनियां हैं ये काफ़ी प्रॉफिट कमाती थी। लेकिन जब से मार्केट में जियो आया तब से डेटा सस्ता हो गया, कॉलिंग फ्री हो गई थी, तो इसी वजह से इन कंपनियों को लॉस उठाना पड़ रहा था और धीरे धीरे इनके जो शेयर हैं वो भी गिरते जा रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इनके जो यूज़र थे वो भी इनसे एग्जिट हो रहे थे इनके नेटवर्क से और उसके बाद वो जियो में जा रहे थे, इस वजह से इनको काफ़ी लॉस हो रहा था। इस वजह से अब इन्होंने डिसाइड किया है कि अब ये इंडिया में काम नहीं करेंगे और धीरे धीरे अपने सर्विसेज जो भी ये प्रोवाइड करते हैं उसको भी बंद कर देंगे। तो अभी तक ऑफिशियल अपडेट तो नहीं आई है, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है वोडाफोन की तरफ से, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी वोडाफोन की तरफ से किया जाए। अब सबसे बड़ी सवाल ये आती है कि आखिर अब वोडाफोन यूज़र का क्या होगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि वोडाफोन आइडिया में मर्जर है, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि जब वोडाफोन बंद हो जाए तो जो भी यूज़र हैं वो आइडिया में चले जाएँ और उसके बाद आइडिया वोडाफोन को खरीद सकता है और आइडिया ही सारे नेटवर्क को कंट्रोल कर सकता है। तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा कि आखिर वोडाफोन यूज़र का क्या होगा। अब दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए क्या वोडाफोन का बंद होना क्या प्रभाव डालेगा नेटवर्क सेक्टर में और उसके बाद इससे किसको फ़ायदा होगा, क्योंकि जियो को तो फ़ायदा होगा ही, लेकिन इसमें यह भी प्रॉब्लम है कि अगर एक नेटवर्क इंडिया में रहेगा तो वो अपनी मनमानी फीस वसूलेंगी, मनमानी रिचार्ज वसूलेंगी। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपकी राय क्या है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नए नए जानकारी से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।